आप देख रहे हैं होम गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी। मैं हूं उत्तराखंड हल्द्वानी नैनीताल से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ट्रे गार्डन बनाना। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बना रही हूं मैं एक ट्रे गार्डन। सोच रही थी श्री कृष्णा से रिलेटेड कोई ट्रे गार्डन तैयार करूँगी। मैं कोई छोटा आइडल नहीं था कृष्णा का जो मैं ट्रे गार्डन में लगा सकती थी, तो जो है मेरे पास उसी से क्रिएट करती हूँ। बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ। ट्रे गार्डन बनाने के लिए हमें चाहिए एक पॉट, सेलो पॉट चाहिए, कम गहराई वाला। तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं, या फिर सिरेमिक का। मेरे पास है ये सिरेमिक का पॉट। इसमें मैंने काफ़ी टाइम पहले एक ट्रे गार्डन बनाया था, अब कुछ प्लांट इसके ख़राब हो गए हैं। तो देखिए, ये चांदनी का प्लांट है और ये हैं सेंसिवेरिया। दो तरह के सिंगोनियम लिए हैं, पिंक और ग्रीन। इसे एरोहेड भी बोला जाता है। ये सभी प्लांट सेमी सेड में बहुत अच्छे से चलते हैं। ट्रे गार्डन बनाने के लिए हमें पौधों की तेज ग्रोथ नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसकी सॉइल में सिर्फ रेत मिक्स किया है। कोई भी कंपोस्ट इस मिट्टी में मैंने नहीं मिलाया है। और कुछ नीचे से सूखी पत्तियाँ मैंने बिछा दी हैं और नीचे से एक टूटे हुए गमले का टुकड़ा लगा दिया है ताकि पानी अच्छे से निकल जाए बाहर। इसके बाद मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक की ग्रीन मैट का टुकड़ा, पुरानी मैट थी उसी से एक टुकड़ा ले लिया है और इसी के साइज से मैंने काट दिया। सबसे पहले मैं ले रही हूँ चांदनी का पौधा, सबसे पीछे लगाऊंगी क्योंकि ये साइज में सभी पौधों से बड़ा है और फ्लावर भी इसमें आते हैं। सबसे बड़ा पौधा हमें सबसे पहले लगाना है, यानी पीछे से लगाना है। आप चाहें तो इसके आगे छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ सेंसिवेरिया, इसे स्नेक प्लांट भी बोला जाता है। ड्वार्फ साइज का ये सेंसिवेरिया है, सेमी सेड में काफ़ी अच्छे से चलता है। ये दूसरी तरह का है, सेंसिवेरिया कई तरह के आते हैं। और ये है सिंगोनियम, बीच में लगा देती हूँ सिंगोनियम ताकि नीचे से जो चांदनी का पौधा खाली सा नज़र आ रहा है वो खाली नज़र नहीं आए अभी, क्योंकि मैंने इसको कट किया है, छोटा रखा है पौधे को। बड़ा पौधा हमें ट्रे गार्डन के लिए नहीं चाहिए होता है। तो इस तरह से हमारे प्लांट यहाँ पे लग चुके हैं। इस तरह की मैंने चीनी मिट्टी का एक हाउस ले लिया है। आप चाहें तो पत्थर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरा पत्थर में बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस पेड़ की जड़ में इस झोपड़ी को लगा देती हूँ, इस घर को लगा देती हूँ। उसके बाद जो मैंने ये मैट काटी है, आर्टिफिशियल मैट है ये, तो इसे मैं यहाँ पे बिछा दूँगी। इसी के नाप के अकॉर्डिंग मैंने काट ली थी, पुरानी मैट थी उसी में से एक टुकड़ा काट दिया है। और यहाँ पे एक छोटी सी बस्सी बनी हुई है मेरे पास, उसे लगा दिया है इस घर के पास ही। देख रही हूँ क्या इसमें फिट आएगा। और ये एक मशरूम है, इसे इस पौधे की जड़ में लगा देते हैं ताकि ये लगे मशरूम अपने आप उगाया है। आप चाहें तो दियों, ओल्ड दियों से भी मशरूम क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ मेरे पास ये लकड़ी के टुकड़े हैं, जो बड़े पेड़ की छाल होती है उसी से मैंने ये लकड़ी के टुकड़े बनाए हैं इस घर के लिए, रास्ता क्रिएट करने के लिए। ट्रे गार्डन के डेकोरेशन के लिए मैंने ये पत्थर पे पेंट करके लेडी बग बनाई है। घर के लिए रास्ता बना दिया। ये हमने एक गाय रख दी यहाँ पे। तो लीजिए, 5 मिनट में रेडी हो गया हमारा ये ट्रे गार्डन। अब इसमें हम पानी दे देते हैं। पानी हल्के हाथों से देना है, यानी फुव्वारे की सहायता से देना है, या फिर स्प्रे बॉटल से आप स्प्रे भी कर सकते हैं पानी। तो देखिए, थोड़ी सी मेहनत में कितनी खूबसूरत सी ट्रे बन के रेडी हो गई है। तो पास से कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। 2-4 दिन के लिए हम इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं, पर डेली के लिए हम इसे घर के अंदर नहीं रख सकते हैं। इसे सेमी सेड में ही रखिए क्योंकि ये सिरेमिक की ट्रे है, ये काफ़ी गर्म हो जाती है धूप से और पौधे ख़राब होने लग जाते हैं। आप अगर मिट्टी की ट्रे में बनाएंगे तो आप उसे धूप में भी रख सकते हैं। अगर आपको ट्रे अपनी धूप में रखनी है तो इसके लिए आपको सन लविंग प्लांट चूज करने पड़ेंगे। अगर ट्रे को आपने सेमी सेड में रखना है तो इंडोर प्लांट आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह के पौधे लगाने से आपकी ट्रे सालों साल बनी रहेगी।
तो देखिए गाय रख दी, एक घर लगा दिया, एक मिनी बस रख दी यहाँ पे, और एक टॉय था उसे लगा दिया है। तो देखिए थोड़ी सी चीज़ों से ही कितना खूबसूरत ये हमारा ट्रे गार्डन बनके रेडी हो गया है। यहाँ पर कुछ और ट्रे हैं जो काफ़ी पहले से बनी हुई हैं। एक ही पानी की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, इसे बीच में काट दिया है, इसमें मैंने लगा दिया डेविल्स बैकबोन। और ये है दूसरी ट्रे, ये प्लास्टिक की बनी है, इसके साइड में लगाए हैं मैंने रियो प्लांट, और बीच में लगा दिया है एक गोल्डन डोरंटा का पौधा। इसे हैच के लिए लगाया जाता है, मैंने इसे एक ट्री का शेप दिया है और नीचे से बिठा दिए हैं बेबी मॉन्ग। तो काफ़ी अच्छा ये ट्रे गार्डन रेडी हो गया है। तो ये ट्रे जो है मैं इसी टेबल पे रखती हूँ, क्योंकि गोल्डन डोरंटा को धूप चाहिए होती है। तो अब छोटी सी झलक मेरी बालकनी गार्डन की है, और इसी जगह के लिए मैंने इस ट्रे को बनाया है। यहाँ पर पड़ती है मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप, और पूरे दिन की छाया यहाँ पे रहती है। आशा करती हूँ छोटा सा वीडियो था आज का पसंद आया होगा आप लोगों को। पसंद आया तो प्लीज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक छोटी सी खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज हमारे चैनल पे हो गए 13,000 सब्सक्राइबर, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।